ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये एक दो बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी, पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, ये जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं सर, देखिए आप पोस्ट, बैठिए एक मिनट बैठिए, आप पोस्टर बाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे, पोस्टर बाजी के लिए सदन नहीं है, आप बात करें पोस्टर बाजी नहीं, स्पीकर सर वरिष्ठ सदस्य है, स्पीकर सर पोस्टर बाजी उचित नहीं, स्पीकर सर पोस्टर बाजी उचित नहीं है, प्लीज राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है, दिस पिक्चर वाज गिवन टू द मीडिया, चलिए पोस्टर नहीं प्लीज,
लिख दे दो मुझे। जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए बताइए। तो वो आप बता देना। सो द रिलेशनशिप बिगिंस मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वॉज asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat, right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both, and he was the backbone in setting up that group of people, okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat, expansion of his businesses. I think then the real magic starts. Jab Pradhan Mantri ji Delhi aate hain, aur 2014 mein asli jadoo shuru hota hai. मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखो ये, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करेंगे उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, मेरा मानना ये। तो अपन एक विषय पर ओके। तो आपको तो रूल था, नियम था। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए
ओके प्लीज प्लीज ओके बोलने दे आपको नेता को तो बोलने दे आपको नेता रूल था प्लीज बोलने दे रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया रूल बदला गया रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए, करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए चलिए आप बदला गया सर, ठीक है सर। बैठे तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडिया मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे by GVK hijacked by using the agencies. The agencies को CBI ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए।